खोज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। लैंडर विक्रम के सही सलामत मिलने की खबर के बाद अब उम्मीदें और बढ़ गई हैं। इसरो ने मीडिया को जानकारी दी कि लैंडर से संपर्क करने की कोशिशें अभी भी जारी हैं, क्योंकि लैंडर से शनिवार 7 सितंबर को 1:54 पर संपर्क टूटा था और फिर 2:07 पर एक बार फिर से संपर्क स्थापित भी हुआ था। ऐसे में अब विक्रम सही सलामत मिल गया है तो उससे फिर से संपर्क होने की उम्मीद और भी मजबूत हो गई है। चंद्रयान 2 मिशन से जुटे वैज्ञानिकों के हवाले से खबर मिली है कि लैंडर विक्रम लैंडिंग की तय जगह पर ही लैंड कर गया, लेकिन आपको समझना होगा कि विक्रम का संपर्क उस वक्त टूटा जब वो चांद के बेहद करीब यानी 2 किलोमीटर के आसपास था। चूंकि चांद तक पहुंचने का काम इसरो ने बखूबी पूरा कर लिया था, इसलिए लैंडर से संपर्क टूटने की खबरों के बीच के सिवन ने बताया कि चंद्रयान 2 ने अपने 90% मिशन में कामयाबी हासिल कर ली है। चूंकि संपर्क टूटने के 24 घंटे से भी ज्यादा समय तक लैंडर विक्रम का आता पता नहीं मिला, जिससे ऐसी खबरें सामने आने लगी कि क्या विक्रम क्रैश कर गया है। ऐसे कयास पढ़े लिखे लोग ही लगा रहे थे जिन्होंने साइंस की पढ़ाई कर रखी है। लेकिन आपको बता दें कि लैंडर का चंद्रमा की सतह से बेहद नजदीक होने पर उसके क्रैश होने की बात तर्कसंगत नहीं थी, क्योंकि चांद पर कोई भी चीज यदि वह अपनी स्वाभाविक गति से गिरती है तो उसका क्रैश होना संभव नहीं है। हम पुख्ता सबूत के तौर पर आपको वो 3 कारण बताने जा रहे हैं जिनके कारण लैंडर विक्रम सही सलामत है। पहला कारण है कि चांद का नॉमिनल गुरुत्वाकर्षण। यदि आप भौतिक विज्ञान के छात्र रहे हैं तो आपको इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों की भौतिक विज्ञान की समझ इस स्तर की नहीं है उनके लिए बता दें कि चांद का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 5/6 भाग यानी कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण 83.3% होता है। चूंकि गुरुत्वाकर्षण वो ताकत होती है जिसके जरिए पृथ्वी या चांद किसी चीज को अपनी ओर खींचता है, और आसान तरीके से कहें तो 60 किलो वजनी आदमी का वजन चांद पर मात्र 10 किलो होगा। अब बात करते हैं लैंडर विक्रम के सलामत होने की, तो चांद का गुरुत्वाकर्षण बेहद कम होने से विक्रम काफी कम गति से गिरा होगा, जिससे उसका विशेष नुकसान नहीं हुआ है। दूसरा कारण है संपर्क टूटने के बाद कंट्रोल्ड स्पीड से मुक्त होना। चूंकि लैंडर विक्रम को एक नियंत्रित गति से चांद पर भेजा जा रहा था, लेकिन अनुमान है कि जब विक्रम का ऑर्बिटर से संपर्क टूटा होगा तो वो नियंत्रित स्पीड से मुक्त हो गया होगा, क्योंकि स्पीड का नियंत्रण ऑर्बिटर से किया जा रहा था। ऐसे में विक्रम संपर्क टूटने के बाद चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण की गति से ही गिरा होगा, जो कि काफी कम होती है। तीसरा है चांद का निर्वात होना। लैंडर विक्रम का सलामत रहने का तीसरा कारण है चंद्रमा का निर्वात। निर्वात में जब कोई चीज छोड़ी जाती है तो उसके घूमने या दिशा बदलने की संभावना ना के बराबर होती है। ऐसे में विक्रम से जब संपर्क टूटा होगा तो वह जिस दिशा और स्थिति में चांद की ओर जाने की बात काफी संभव लग रही है, शायद यही कारण है कि लैंडर विक्रम अभी भी सलामत है, और संपर्क दोबारा हुआ तो वो पराक्रम भी जरूर दिखाएगा। हमारी शुभकामनाएं उसके लिए हैं। खोज वर्ल्ड में आज इतना ही। अगर आप चंद्रयान से संबंधित लेटेस्ट अपडेट्स जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें।